हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नेटफ्लिक्स पे आया हुआ रिसेंटली नया वेब सीरीज़ द विचर सीजन 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि इस फ्राइडे को रिलीज़ हुआ है। तो विचर सीजन 2 इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ सीजन 1। अगर आप लोग सीजन 1 नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आप लोगों को सीजन 1 देखना चाहिए, क्योंकि सीजन 2 पे जो स्टोरी है दैट इज़ अ कंप्लीट कंटिन्यूएशन फ्रॉम द सीजन 1 ऑल्सो। क्योंकि सीजन 2 पे स्टोरी पे बहुत सारे लिंक, बहुत सारे बैक स्टोरी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सीजन 1 पे दिखाए थे। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया हुआ है वो है यहाँ पे जो विचर है, जो हेनरी केबल प्ले कर रहे हैं, वो सीरी को प्रोटेक्ट करेंगे और विचर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सीरी को ले आएंगे अपने दूसरे और विचर्स के साथ मिलाने के लिए। जो हेनरी केबल विचर प्ले कर रहे हैं, गेराल्ट के कैरेक्टर, वो सीरी को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेवल, क्योंकि उन्होंने ये मतलब प्रॉमिस किया है। अब यहाँ पे जो स्टोरी आगे और बढ़ेंगे, हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जो सीरी है शी विल ट्राई टू बी द नेक्स्ट विचर। अब ये विचर बनने के लिए वो बहुत सारे यहाँ पे टेक्निक, बहुत सारे प्रोसेस पे वो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या वो सच पे विचर बन पाएंगे ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखने होंगे। और यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे और बैक स्टोरी है, क्योंकि सीजन 1 पे जो पुराने कैरेक्टर्स थे वो भी यहाँ पे सीजन 2 पे बने हुए हैं, और सीजन 1 पे बाकी कैरेक्टर्स का जो स्टोरी था वो भी कंटिन्यूएशन होंगे यहाँ पे। तो टोटल एक आप लोगों को बहुत सारे सब प्लॉट्स देखने को मिलेंगे जो कि अल्टीमेटली जाके मेन प्लॉट के साथ लिंकअप होंगे। तो विचर सीजन 2 यहाँ पे आप लोगों को 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 8 घंटे लगेंगे। मुझे ये 3 दिन लगा था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैं अगर इतना कहूँ तो सीजन 1 जितना बढ़िया, जितना अच्छा था, सीजन 2 इट वाज ओके। क्योंकि मुझे कुछ हद तक कुछ कुछ पार्ट बहुत अच्छा लगा और कुछ कुछ पार्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रेची या ज़्यादा लेंदी लग रहा था। 8 एपिसोड है यहाँ पे, लेकिन अगर कहूँ तो फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स एंड लास्ट 3-4 एपिसोड्स वेयर अल्टीमेट गूज़बम्स, और मिडिल पे थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेची हुआ है स्टोरी को और ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंड इन डिटेलिंग दिखाया है, जिसके कारण कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को शायद बोर लग सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ नए कैरेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, स्पेशली यहाँ पे विचर का एक दोस्त या सॉर्ट ऑफ गुरु यहाँ पे दिखाएंगे, जिसके साथ यहाँ पे गेराल्ट का जो कनेक्शन था, कैसे बॉन्डिंग है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर कहूँ इस सीरीज पे ज्यादातर आप लोगों को स्टोरी पे फोकस देखने को मिलेंगे, एक्शन भी है, लेकिन जो एक्शन, जो रॉ एक्शन सीजन 1 पे दिखाए थे उतना रॉनेस यहाँ पे नहीं था। दिस सीरीज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स डिटेल्स एंड कैरेक्टर स्टोरी ऑल्सो, लेकिन कुछ जो एक्शन यहाँ पे दिखाएंगे वो बहुत ही रॉ था, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टल से एक के बाद एक मॉन्स्टर आएंगे, उसके साथ विचर्स का जो फाइट सीन होंगे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया था। साथ ही साथ इस सीजन का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया है, और अगर एक्टिंग के बारे में कहूँ तो सच में सबका एक्टिंग ज्यादातर बहुत बढ़िया थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर सीरी के कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, क्योंकि पार्ट 3 में भी सीरी के कैरेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सीजन 1 जो एक्सपेक्टेशंस, जो हाइप सेट किए थे, सीजन 2 कुछ लोगों को अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। मुझे ओवरऑल मिक्स 50-50 लगा, क्योंकि फ्यू पोर्शंस वर रियली गुड एंड फ्यू पोर्शंस वर सो सो, इट वॉज एवरेज ऑल्सो। तो अगर आप लोगों ने द विचर सीजन 2 देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।